हेलो फ्रेंड, आज टेक्नो स्पार्क इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत। दोस्तों, आज मेरे पास एक डिटेल्ड रिसीवर है जो फ्री डिस्क का रिसीवर है। इसमें हमारा समस्या ये है कि हमारे पूरा ही डेट है, तो इसको हम सबसे पहले ब्लैक इन कर दें। सबसे पहले इसका हम बैक कवर ओपन कर देंगे, जिससे कि आपको समस्या को हमने इसका स्क्रू वगैरह पहले ही ओपन कर लिया था। इसको हम पावर इन करते हैं, तो हमने इसको पावर इन कर दिया है। सबसे पहले हमारी इसकी जो बारी आती है, तो इसके जो सप्लाई हमारी यहाँ इनपुट होती है, जैसे सप्लाई 230 से 240 वोल्टेज जो रहती है, उसको चेकिंग करना होगा। तो हम मल्टीमीटर को आपके सामने रख देते हैं। तो हमने ये मल्टीमीटर को मैं हाँ यहाँ पर मल्टीमीटर मैंने रख दिया है। और अभी इस दोनों प्रॉब यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ इनपुट होती है हमारी सप्लाई 240-50 वोल्ट, यहाँ हमारी 240 वोल्टेज इनपुट हो रही है एसी वोल्टेज। अब इसके बाद जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी, तो हमारी 3.3, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 22 वोल्ट, ये सभी वोल्टेज हमारी आउटपुट होती हैं। तो हम मल्टीमीटर को आपको इधर रख देते हैं, और इसके बाद एक पॉइंट को हम देखें, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे हमारे 12 वोल्ट एम्पलीफायर के लिए, जो ऑडियो सेक्शन के लिए 15 वोल्ट जाते हैं, 12 से 15 वोल्ट ये हमारे आउटपुट हो रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो वोल्टेज होंगी वो देखिए 3.3 वोल्टेज हमारे आउटपुट हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे देखिए 24 वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं, ये भी हमारे करेक्ट वोल्टेज है। उसके बाद हमारे 14 वोल्टेज हमारे आउटपुट हो रहे हैं, ये भी एकदम करेक्ट। एक बार मैं आपको हाँ तो ये देखिए कि हमारे ये 14 वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं, ये करेक्ट वोल्टेज हैं। और इसके बाद फिर से हमारा जो यहाँ कनेक्टर होगा, इस पर हमारे 3.3 वोल्टेज आउटपुट होती है। तो कार्ड हमारा, इसका कहने का अर्थात है कि हमारी जो सप्लाई है वो पूरी वर्किंग कर रही है, बट हमारे इसमें जो कार्ड है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो हम इसको कन्फर्म करने के लिए एक बार आपको एक कार्ड लेके, जो हमारे पास कोई चालू सेट कार्ड पड़ा होगा, उसको लगा कर एक बार चेक करवा देते हैं, जिससे कि आप मन का कन्फ्यूजन दूर जाएगा। देखिए, हमने इसकी नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको इस कार्ड के दिखाए थे, तो ये कार्ड हमारा पूरी तरह से ऑन है। इसको हम चालू करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले इसके जो जिग जैक है, तो इसको ओपन करना होगा। जैसे आप सप्लाई के कनेक्टर ओपन कर देंगे, तो सप्लाई से एक सनसनाहट की आवाज़ आने लगती है। इसका मतलब ये भी रहता है कि सप्लाई हमारी वर्किंग कर रही है, लेकिन वोल्टेज कन्फर्म करने के बाद ही ये बात को करेक्ट मानना होगा। तो अभी हमने इसको लगा दिया, और अभी देख सकते हैं कि जो हमारा डीटेच कार्ड है पूरा ऑन हो जाएगा। अभी बस ये देखिए, ये हमारा 096 लिखा के, इसमें जो चैनल नंबर 96 है वो आ चुका है। तो फाइनली हमारा कहने का अर्थ है कि जो हमारा डीटेच वीडियोज़ का कार्ड है, ये कार्ड हमारा इसका डेट हो चुका है। तो अभी हम इस बात को देखेंगे कि आखिर हमारा कार्ड क्यों डेट हुआ और कैसे डेट हुआ, और अब इसको किस प्रकार से रिपेयर किया जाएगा। तो फाइनली हम इसका जो कनेक्टर है डिस्प्ले वाला, इसको पहले लगा देते हैं, और जो हमारी जिग जैक है तो यहाँ पर इसको लगा देंगे। तो एक बार मैं इसको सप्लाई से डिसकनेक्ट कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसको जिग जैक को अच्छे से लगाकर फिर इसको ऑन करके एक बार देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं, और इसके कार्ड के वोल्टेज जो है चेक करेंगे। तो देख लीजिए, अभी तक हमारा इस पर कोई भी डिस्प्ले प्रोग्राम शो नहीं हो रहा है। तो चलिए अब इसके कार्ड के वोल्टेज चेक करते हैं। तो हम कार्ड को अपने 20 वोल्ट पर सेट कर देते हैं, और एक प्रॉप को रखेंगे नेगेटिव पॉइंट पर, और इसको हम बीच वाले सेंटर वाले पॉइंट पर रखते हैं। तो जहाँ पर हमारे 1.80 आने चाहिए थे, वहाँ पर हमारे 1.19 आ रहे हैं, ये भी हमारे लो वोल्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं कि जो हमारी इनपुट सप्लाई है इसकी, तो ये देखिए हमारी इनपुट सप्लाई जो है 3.3 वोल्टेज है। सबसे पहले जो हमको पहले नंबर पर नज़र आ रहा है, यहाँ हमारी 1.8 वोल्टेज हमारे आउटपुट होने चाहिए थे। हमारी 180 की लाइन पर जो रेगुलेटर है, इस पर हमारी सप्लाई कम है। तो इसको हम सबसे पहले फटाक से इसको इस रेगुलेटर को चेंज करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो हमने इसको पावर से डिसकनेक्ट कर दिया है, इसके बाद हम इसको भी साइड पर कर देते हैं। अब इसके बाद हमें जो कनेक्टर है इसको चेंज करके एक बार देखेंगे। कनेक्टर सॉरी फ्रेंड, कनेक्टर नहीं, ये जो हमारी 1117 की रेगुलेटर आईसी है, जो हमारी 1.8 वोल्टेज बनाती है, 180 वोल्टेज बनाती है, उसको हम एक बार चेंज करेंगे। तो अभी आपने देखा कि 1.19 आ रहे थे, तो अभी जब हम इसको चेंज करेंगे तो देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो हमने इसको फाइनली अभी असेंबली को कर लेंगे हम। तो हमने असेंबली को ले लिया है फाइनली। अब इसके बाद हम यहाँ पर
इसको जो ये 11-17 की रेगुलेटर ऐसी लगी हुई है, इसको एक बार चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद देखेंगे कि हमारा रिजल्ट निकल कर क्या आता है। तो अभी छोटे छोटे जो वोल्टेज है इसको चेक करने के बाद ही आपका कार्ड का सलूशन जो है तो हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा हाथ को क्या करूँगा स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड, हमने फाइनल SMD को ले लिया था, और इसके बाद हम इसको चेंज करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये जो 11-17 के वोल्टेज हमारी 1.8 आनी चाहिए थी, तो ये हमारी वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले जो हमारा काम था इसे को चेंज करना होगा। तो इस रेगुलेटर ऐसे को एक बार हम निकाल देंगे इस वाले कार्ड से। तो अभी देखिए आपके सामने जब ये सोल्डरिंग छोड़ने लगेगा तो हम इसको आसानी से उठा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको निकाल लिया, और अभी हम कोई दूसरा कार्ड ले लेंगे जो हमारे पास वो डेड कंडीशन में हो। तो हम इस कार्ड को अभी ले लिए फिलहाल, और इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर लिया है। पेस्ट अप्लाई करने के बाद वही प्रोसेस के साथ हम इसको ओपन करेंगे। इसको निकालने के बाद उसे कार्ड पर लगा कर देखना होगा कि हमारी जो सप्लाई है जहाँ पर हमारी 1.8 की वोल्टेज बनती है वो हमारी बन रही है कि नहीं। तो देखिए, हमने इसको फाइनली एक बार ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब इसको उसी जगह पर जहाँ से हमने रेगुलेटर को ओपन किया था उसी रेगुलेटर की जगह पर हमको लगा देना होगा। तो हम इसको एक बार फाइनली, ये देखिए जहाँ से हमने उसको ओपन किया था वहीं उसी जगह पर हम इसको सही तरीके से लगा देते हैं। तो ये देखिए, अभी हमारा ये जो है रेगुलेटर लग चुका है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हम इस कार्ड को ऑन करके आपको दिखाएंगे, और इसके वोल्टेज सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज जो है कितनी कहाँ पर बन, जो हमारी वोल्टेज मिसिंग थी देखते हैं क्या हमारी वोल्टेज की, अगर हमारे वोल्टेज जो है 180 वोल्टेज हमारे बन जाएंगे तो क्या होगा। 1.80 वोल्टेज अगर बन जाएंगे तो हमारा कार्ड, चांसेस है कि हमारा कार्ड ऑन हो जाएगा। तो हम इसको पावर इनपुट कर दिए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा इसका रिजल्ट है, ये हमारा जो कार्ड है, मतलब जो ये कार्ड है हमारा ऑन हो चुका है। देखिए देखिए, चैनल नंबर 1 पर हमारा जो रिसीवर है लगा हुआ है, मतलब इस कार्ड का प्रोग्राम नंबर है देखिए 1 पर है। और जैसे हम इसको रिमोट से, अभी मेरा भाई चेंज कर रहा था, अभी मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो फॉल्ट है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो आप इस प्रकार डेड कंडीशन फॉल्ट, डेड कंडीशन अगर आपका डिटेल स्पीड वाला डेड बॉक्स आता है तो उसको आप इस प्रकार से रिपेयर करेंगे। जिसके हम वोल्टेज है हम इसको चेक करवा देंगे। तो हम इसको 20 वोल्ट पर सेट कर लिए हैं, और इसके बाद हम एक ब्लैक वाली प्रॉब को नेगेटिव पॉइंट पर हम इसको लगा लेंगे, और जिसका सेंटर वाला पॉइंट है देखिए हमारे यहाँ पर हमारे 1.80 वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, 1.80 आ रहे हैं, 78980 इस प्रकार से वोल्टेज आ रहा है, जबकि हमारे बिल्कुल करेक्ट वोल्टेज है। अगर हमारे इस कितने वोल्टेज हमारे 1.5 से 80 वोल्टेज नहीं बनेंगे, 1.20 बनेंगे, 1.15 बनेंगे, तो हमारे जो कार्ड है ऑन नहीं हो पाएगा, और हैंग लोगों का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो देखिए हमारे जो रैम है, यहाँ जो मेमोरी ऐसी लगी हुई रहती है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3.20 हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए हमारे जो यहाँ पर जो LMB के लिए हमारे यहाँ से वोल्टेज आउट होता है, तो उस पर भी मैं इसको वोल्टेज थोड़ा सा हाई वोल्ट 20 वोल्टेज के लगभग रहता है। तो नेगेटिव पॉइंट पर हमने वो कर दिया और लगा दिया एक प्रॉब को, और देखिए हमारे 24 वोल्टेज हमारे पास जो आ रहा है करेक्ट वोल्टेज है, 24 से 15 से हमारे यहाँ पर 24 वोल्टेज तक हमारे आउटपुट होते हैं LMB के लिए। चलिए कोई बात नहीं, ये भी हमारे इतने वोल्टेज होते हैं लगभग। तो आप इस प्रकार से किसी डेड कार्ड का निवारण कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए।